बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मैं हाज़िर हूँ एक क्रीमी केक की रेसिपी के साथ, जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर विद टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी। तो आज जो मैं मेजरमेंट कप्स जो होते हैं बेकिंग के, उससे नहीं ले कर रही हूँ मेजर, बल्कि ये जो ग्रीन कलर का कप मेरे हाथ में है, इससे मैं मेजरमेंट करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है, कोई सा भी वेज ऑयल आप ले सकते हैं। लेने के बाद उसमें मैंने 1 कप शुगर ऐड करी है। शुगर ये पिसी हुई नहीं थी, अगर पिसी हुई आप ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम व्हिप्स की मदद से या हाथ वाला जो बीटर होता है उसकी मदद से बीट करेंगे। और मैंने 1 कप मैदा इसमें ऐड कर दिया है। मैदा हमें इसमें 2 कप डालना है, 1 कप मैं बाद में डालूँगी। तो ये देखें, 2 कप मैंने इसमें कोका पाउडर डाला है। और इस सारे बैटर को अच्छी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे व्हिप्स की मदद से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑफ मिल्क। मिल्क रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, इसमें मैं एग का इस्तेमाल नहीं करूँगी। दूध ऐड करने के बाद मैंने जो अपना रिमेनिंग 1 कप था वो भी ऐड कर दिया। और उसका फिर अच्छा सा हम एक मिक्सचर बना लेंगे। और इसके बाद मैंने ऐड किया है 1 कप ऑफ, थोड़ा थोड़ा करके मैं आप देख रहे हैं, मैदा डाल रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना बने और अच्छे से मिक्स हो जाए। और एंड में फिर मैंने 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा ऐड किया है स्पैटर में। और आप चाहें तो 1 पिंच जो है वो बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है। और चाहें तो 1 पिंच बेकिंग सोडा भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस का यूज़ किया है। और ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। अच्छा भाई, इसको मैं ओवन में नहीं बेक करूँगी, इसको मैं चूल्हे पर या स्टोव पर जो है वो पतीले में बेक करूँगी। तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे, पहले हम एक बड़ा पतीला लेके उसको प्री हीट कर लेंगे। ये देखें, बैटर कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक पतीले को लेके हम प्री हीट करेंगे। और उसके बाद हम जो एक वायर का जो बेस होती है या वायर का जो स्टैंड होता है, हर घर में ही होता है तकरीबन, तो वो हम उसमें रख देंगे नीचे बेस में। इसको अपने केक मोल्डिंग का जो बर्तन है उसमें डालने के बाद इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें से बबल्स जो हों वो निकल जाएं। और अब हम इसको उस पतीले के अंदर रख देंगे और मीडियम से लाइट फ्लेम पर जो है हम इसको तकरीबन 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और बेक करने के बाद एंड में हम इसे पोक करके देखेंगे कि भाई अंदर से कच्चा तो नहीं है। तो मेरा बहुत अच्छा केक बेक हो गया था, तो ये सेंटर से थोड़ा ज़्यादा राइज हो गया था, तो उसको मैंने नाइफ से ये जो एक्स्ट्रा पीस था वो मैंने कट कर दिया था। उसके बाद मैंने केक के 2 स्लाइस करने थे, तो उसके लिए मैंने थ्रेड लेकर इस तरीके से, वैसे तो केक कटर होता है, मतलब वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, उससे बहुत अच्छी कटिंग होती है। अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके से जो है वो केक को 2 स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। कट करने के बाद मैंने इसके इस तरह स्क्वायर पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पीस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें केक जो है मेरा ज़्यादा ख़राब, मतलब ज़ाया हो जाता है, इसलिए मैंने इतने परफेक्ट स्क्वायर पीस नहीं करे। जैसे भी हुए वैसे मैंने करके अपनी जो सर्विंग डिश है उसमें प्लेस कर दिया है केक को। उसके बाद आपको एक क्रीम का पैकेट लेना है फुल, कोई सी भी डेरी क्रीम आप ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम हो ज़रूरी नहीं है। लेके आप उसको अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे और उसमें जो आपकी डार्क चॉकलेट होती है, बेकिंग चॉकलेट होती है, वो ऐड कर सकते हैं आप। शुगर ऐड करेंगे, और चाहें तो अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और दूध ऐड करना है आपको इसमें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। और फिर ये मतलब इस तरह का सिरप टाइप का बन जाएगा, ये आपको जो है इसके ऊपर पोर कर देना है। ये सारा जो क्रीम का मिक्सचर या क्रीम का जो हमने वो बना के डाला है इसके ऊपर, तो ये सब केक जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। और मुझे कमेंट्स में ही बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये केक बहुत ज़बरदस्त बना था टेस्ट में, और सब लोगों ने बहुत ही शौक से खाया था। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा,
मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इसको चिल करके खाना है, बिल्कुल चिल ठंडा करके खाएगा। अल्लाह हाफिज़।